गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये आज के लिए आपको स्पिरिचुअल ग्रुप का एक नया कवर लेके आया है। नया कवर लेके आया और इसमें रात को अपडेट हुआ था और सुबह दो न्यूज़ आया था आज का दिन में, तो आपको ये साथ में लेके आने के लिए मैं ट्राई करता हूँ। ये पहले न्यूज़ यही है, अमेज़न का है। अमेज़न एक प्लान बी में चल रहा है, क्यों बोले तो ये लीगल बैटल में थोड़ा बहुत इसको दिक्कत लग रहा है। आगे आगे इसका रणनीति चेंज होने वाला है, मार्केट में चेंजेस बहुत फास्ट हो रहा है, तो उसके लिए ये लीगल में इसका बारे में ये समझ रहा है। ऐसा है मेरा पास होगा ये केस, पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा इसका पता नहीं चल रहा है, उसके लिए ये प्लान बी में चल रहा है। इधर आप क्लियर पढ़ सकते हैं, अमेज़न आयनसिंग एम्ब्रॉयडिंग ऑन मैसिव इंडियन एक्सपेंशन प्लान इंक्लूडिंग ये सीरीज ऑफ टाइप विथ लीगल रिटेल चेन्स टू इंश्योर दैट ग्लोबल सेटअप इन दिस केस विथ फ्यूचर ग्रुप डज नॉट अपसेट इट्स लॉन्ग टर्म प्लान फॉर कंट्री टू पीपल्स सिमिलरली विथ द कंपनी प्लान सेट। Even Amazon lose the future group case, it's not fatal to Amazon by any means. That future group case is more about Amazon's empires, that controversial contractual obligations do matter in India. One of the two people said, adding that Amazon organic investments plan as such larger than these investment, बोले तो इसका ऊपर से उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का इसका मौका है, मगर ये छोटा छोटा इसमें कुछ नहीं होगा अमेज़न को, तो ये जोड़ के ये लीगल बैटल छोड़ के प्लान बी में आगे आगे चलने वाला, जैसा इसमें आज का न्यूज़ आया था। और सेकंड न्यूज़ है, सबसे बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है ये फ्यूचर रिटेल के लिए। इसमें फ्यूचर रिटेल में जो भी आपको पता है लैंडर का अप्रूवल नहीं मिला है 31 मार्च को, मगर आज और एक बार कवर आया था, लैंडर्स टू फ्यूचर ग्रुप फ्यूचर रिटेल लिमिटेड आर होपली अप्रूव ए डेट रिकास्ट प्लान बाय एंड ऑफ दिस मंथ। ओके, विद दी फाइनल ड्राफ्ट बीइंग सर्कुलेटेड अमंग द लैंडर्स फॉर अप्रूवल टू बैंकर्स एवायरिंग ऑफ द डेवलपमेंट सेट। द प्लान विल एंटाइल ए 2 years मॉरिटोरियम ऑन द पेमेंट्स विदाउट एनी चेंजेस इन प्रिवेलिंग इंटरेस्ट प्री अवेलिंग इंटरेस्ट रेट द बैंकर्स सेट ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। सो ये इस छोटा एकदम बढ़िया न्यूज़ है इसका फ्यूचर रिटेल के लिए। आगे आगे इसका बिजनेस का जो भी डेट है वो फ्री होने वाला है, आगे आगे इसको कंपनी को कुछ मौका मिलने वाला है और सेल्स बढ़ने के लिए और इसका इंटरेस्ट रेट कम होने के लिए, और इसको टाइम भी मिलेगा ये डील होने तक, इसका जो भी डेट है फ्री होगा। तो आसपास में 6,000 करोड़ का ये इसमें डेट फ्री होने वाला है, और उसका वजह से ये पॉजिटिव न्यूज़ है आज का दिन में। ऐसा नहीं सोचना है एंट्री करेगा, थोड़ा वेट करना है, बैटल और आगे है, थोड़ा जल्दीबाजी एंट्री मत करो। जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके रहेगा वो उसका थोड़ा बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। नया इन्वेस्टमेंट के लिए अभी टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत वेट करो, अभी भी इसका और मौका मिलने वाला है। और इसका फ्यूचर कंज्यूमर का है वो अपर सर्किट लेवल है, 20% है, और जो भी है वो 8.64 तक है। आज का दिन में ये 7 रुपये तक काम चल रहा है, 7 रुपये में। और दूसरा फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड है, ये सिर्फ 5% का सर्किट लिमिट है, 10 रुपये 20 पैसे तक इसको पहुंच सकता है। और दूसरा और एक स्टॉक भी है, फ्यूचर रिटेल है,
ये इसका 5% सर्किट लिमिट है, बहुत कम है, वो 52 रुपीज़ तक पहुंच सकता है आज का दिन में, ये पॉजिटिव का पॉइंट का मौका वजह से। सो इतना है आपको बोल सकता हूँ। तो ये चैनल पहली बार देखा तो हमको सपोर्ट करो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।